क्वेश्चन नंबर 176, टोटल वॉल्यूम ऑफ 0.1 MKMnO4। तो जो KMnO4 है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, Mn प्लस 2 में चेंज होता है, रिएक्शन फैक्टर 5 पाया जाता है इसका। तो नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4, मोलारिटी इसकी है 0.1 इंटू रिएक्शन फैक्टर 5, ये आ जाएगा 0.5। अब आपके पास 100 मिलीग्राम ईच ऑफ फेरस ऑक्सलेट है, फेरस ऑक्सलेट ये है आपके पास, फेरस ऑक्सलेट। देखो, फेरस की टेंडेंसी होती है फेरिक में चेंज करने की, ये फेरस है और ये फेरिक है, तो फेरस की टेंडेंसी है फेरिक में चेंज होने की, और आप जो ऑक्सलेट है ये चेंज होगा 2CO2 में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है वो आपके पास एक यूनिट का है। देखो ना, यहाँ पर प्लस 2 है, यहाँ पर प्लस 3 है, चेंज एक यूनिट का है। यहाँ पर आपका प्लस 6 है, यहाँ पर प्लस 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है वो आपका 2 यूनिट्स का है। तो इस तरीके से रिएक्शन फैक्टर फॉर फेरस ऑक्सलेट ये आपके पास 3 आ जाता है। तो अब देखो, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस ऑक्सलेट ये 56 इसका मोलर मास अपॉन प्लस 88 इसका 88 आएगा और अपॉन 3 हो जाएगा। अब आप देखो, मिली जो एमजी है, मास है वो 100 है, 100 है मास, मास कितना है 100 है, 100 मास है। तो अब MeQ ऑफ फेरस ऑक्सलेट ये आपके पास आ जाएगा 100 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 56 प्लस 88 इंटू 3 आ जाएगा। तो 300 डिवाइडेड बाय 56 प्लस 88, कैलकुलेशन थोड़ी करिए। इसके बाद वो और भी कह रहा है, फेरस सल्फेट भी है, तो फेरस सल्फेट ये FeSO4, यहाँ पर ये प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कुछ भी नहीं, ये हमेशा प्लस 3 में जाता है, हमेशा रिएक्शन फैक्टर 1 आता है। तो इसका MeQ देखो, तो MeQ ऑफ FeSO4 इसका मास है 100 अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये 100 mg है तो घबराने की जरूरत नहीं है, 56 और इसका आएगा 96 और डिवाइडेड बाय 1 आएगा। तो ये 100 और 56 प्लस 96 आ जाएगा। दोनों ही रिएक्शन किससे कर रहे हैं, दोनों मिल करके रिएक्शन किससे कर रहे हैं, KMnO4 से कर रहे हैं। तो FeSO4 और FeC2O4 दोनों मिलकर के रिएक्शन कर रहे हैं KMnO4 से, तो क्या होगा, MeQ ऑफ FeSO4 प्लस MeQ ऑफ FeC2O4 इज इक्वल टू MeQ ऑफ KMnO4 आएगा। इसका MeQ आप यहां से उठा कर रख दो, तो इसका MeQ 100 डिवाइडेड बाय 56 प्लस 96, इसका 300 डिवाइडेड बाय 56 प्लस 88 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी 0.5 इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा 177 पर चलते हैं, 177 और देखते हैं कि 177 क्या कहता है, 177 पर चलिएगा, 177 क्या कहता है उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 177, 2.5 ग्राम ऑफ मोर सॉल्ट, बच्चों FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2
ये मोर सॉल्ट होता है, और इसमें जो FeSO4 है यही Fe+3 में चेंज होता है, रिएक्शन फैक्टर 1 होता है, इसका जो मोलर मास है वो 392 होता है, इसका इक्विवेलेंट वेट भी 392 होगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करो कोई फायदा नहीं आएगा, तो 2.5 ग्राम ऑफ मोर सॉल्ट रिएक्ट कंप्लीटली विद इतने परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, तो वेट ऑफ प्योर मोर सॉल्ट, जो प्योर मोर सॉल्ट है उसका वेट एक्स परसेंट प्योरिटी अज्यूम कर लो, तो 2.5 × x/100 ये ग्राम आएगा, मिलीग्राम में चेंज करना है तो 2.5 × x/100 × 1000 मिलीग्राम कर दो, ये इससे कैंसिल, ये 25 x mg आ जाएगा, ठीक है भाई। तो जो मोर सॉल्ट है, ये मोर सॉल्ट रिएक्शन किससे करता है, KNO4 से करता है, तो MeQ ऑफ मोर सॉल्ट ये इज इक्वल टू आता है MeQ ऑफ KMnO4 मास अपॉन इक्विवेलेंट मास 25 x/392, और ये आपके पास नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम 50 एक्स की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 कि ये 178 क्या कहता है इसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, 4 मोल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मोर सॉल्ट, यहां पर मोर सॉल्ट है तो मोर सॉल्ट, मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट ये एक्स परसेंट प्योरिटी मान लो, एक्स परसेंटेज इसकी मान लो, तो एक्स अपॉन हंड्रेड टोटल मोल्स थे 4, तो ये 0.04 x mole आ जाएगा। अगर यहां पर मिली मोल ऑफ मोर सॉल्ट लेते हैं तो इसे आपको 0.04 x × 1000 करना पड़ेगा, तो ये आपका 40 x आ जाएगा, मिली मोल आएगा, मिली मोल, ठीक है जी। 500 ml ऑफ दिस, तो K2Cr27 के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि Cr+3 में जाता है, रिएक्शन फैक्टर 6 होता है, तो नॉर्मलिटी ऑफ K2Cr2O7 क्या करेंगे, इसका मोलारिटी 1 × 6 आ जाएगा। जो मोर सॉल्ट है वो रिएक्शन किससे कर रहा है, वो रिएक्शन कर रहा है K2Cr2O7 से MeQ इक्वल होंगे, इसके MeQ मिली मोल MeQ दोनों सेम है, रीजन क्या है, इसके लिए FeSO4.NH4 whole twice SO4.6H2O के लिए रिएक्शन फैक्टर हमेशा एक होता है, तो यही आपके पास MeQ ऑफ मोर सॉल्ट आ जाएगा। तो 40 x इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी दोस्तों है वह कितनी है, नॉर्मलिटी 6 है, और वॉल्यूम ये आपके पास 500 है, यहां से कैलकुलेशन कर लीजिए, परसेंटेज आ जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगा, और 2 × 4 2 × 3 6 यहां से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 × 3 = 15 150/2 75% ये आई थिंक आ जाएगा। चलिए 179 करते हैं, देखते हैं 179 क्या कह रहा है। 179 पर चलिए। 179 में क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज डबल ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड ये डबल है किसका, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 8 होता है,
16 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. हाउ मेनी टाइम्स इक्वलेंट वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड देन इक्वलेंट वेट ऑफ मेटल. अब देखिए, ध्यान दो, इक्वलेंट वेट ऑफ मेटल, ये मेटल है, मेटल मेटल ऑक्साइड नहीं है. इक्वलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल ऑफ ऑक्सीजन. ये जो था ये ऑक्सीजन का इक्वलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन है, तो डबल है, इसीलिए ये 16 हो गया. अब आपको देखना क्या है, इक्वलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड ये इज इक्वल टू होगा इक्वलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्वलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन. तो अब देखो, इक्वलेंट वेट ऑफ मेटल ये आपके पास 16 है, और ये निकाला ना, ये अभी निकाला है, अभी निकाला है, और ऑक्सीजन का 8 है, तो ये 24 आ जाएगा. क्या है, हाउ मेनी टाइम्स इक्वलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड, इक्वलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल, हाउ मेनी टाइम्स इट्स इक्वलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड देन इक्वलेंट वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्वलेंट वेट ऑफ मेटल. तो ये ऑक्साइड का 24 है और मेटल का कितना है भाई, मेटल का आपने ये 16 लिया है, तो 8 दुनी 16, 8 त्रिक 24, 3/2 1.5 आ जाएगा. तो ये आपके पास 1.5 आएगा. क्वेश्चन नंबर 180 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, इसकी लैंग्वेज थोड़ा समझने की कोशिश करिए. लैंग्वेज ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ऑक्सीजन का डबल. अब फिर कह रहा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड, तो ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मेटल का प्लस ऑक्सीजन का, ये हो जाएगा. फिर रेशियो निकाल लीजिए, उससे पता चल जाएगा. थोड़ी सी लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश कीजिए. अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180. मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला X2O3. ये आपका मेटल ऑक्साइड है. इट कैन बी रिड्यूस बाई हाइड्रोजन टू गिव फ्री मेटल. इससे रिएक्शन हो रही है, तो फ्री मेटल 2X प्लस 3H2O बैलेंसिंग के लिए 3. ये आपके पास फ्री मेटल है, इसका मतलब जो X है वो मेटल है. 0.1596, ये 0.1596 ग्राम 6 mg ऑफ हाइड्रोजन, 6 mg ऑफ हाइड्रोजन, मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन. एटॉमिक वेट ऑफ मेटल निकालना है, इसको भी आप मिलीग्राम में ले लो, तो ये आपके पास 159.6 मिलीग्राम आ जाएगा. 1000 की मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा. हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है, कोई बात नहीं. मिलीमोल ऑफ X2O3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू मिलीमोल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है भाई, इसका मास 159.6 अपॉन इक्विवेलेंट मास 2m प्लस 48 इज इक्वल टू 1/3. इसका मास 6 अपॉन कितना है, इसका मोलर मास 2, तो 3 × 2 = 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 159.6 इज इक्वल टू 2m प्लस 48. कैलकुलेशन करिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा. 181 पर चलते हैं. क्या लगाया है इसमें, वही पुराना स्टोशियोमेट्री लगाया है, कुछ नया काम नहीं किया है. 181 पर चलते हैं, देखते हैं कि 181 क्या कहता है. 181 पर चलते हैं. कैलकुलेट द मास ऑफ एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड विच कैन बी ऑक्सीडाइज टू CO2 बाई 100 ml ऑफ MnO4 सोल्यूशन. अब देखिए, ये एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड है. कैलकुलेट द मास ऑफ एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, ये 100 ml ऑफ KMnO4 से रिएक्शन कर रहा है,
इसे MnO4 माइनस लिखा है। तो कैलकुलेट मास, इसका मास निकालना है आपको, W ग्राम ले लो, इसको मिलीग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्विवेलेंट मास, इसका इक्विवेलेंट मास 45 आएगा, कैलकुलेशन करके देखिए 45 आएगा, इज इक्वल टू ये 100 ml, 100 इंटू नॉर्मलिटी ऑफ MnO4 माइनस, यानी नॉर्मलिटी निकल जाए तो ये W की वैल्यू निकल जाएगी। अब कह रहा है 100 ml, 10 ml ऑफ विच इज, इसका 10 ml यानी MnO4 माइनस का 10 ml इज कैपेबल टू ऑक्सीडाइज I माइनस, तो इसके MEQ, इसके MEQ के इक्वल हो जाएंगे, इसका 10, इसकी नॉर्मलिटी ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू ये क्या 50 × 1। अरे भाई ये भी LOCE लगाया है, ये भी LOCE लगाया है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जब दो चीजें आपस में रिएक्शन करती हैं तो उनके उनके इक्विवेलेंस इक्वल होते हैं, और ये लगाया है MEQ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये फॉर्मूला लगाया है H2C2O4 जब भी चेंज होता है CO2 में, तो ऐसे केस में +6 यहां पर +8 यहां पर, तो रिएक्शन फैक्टर की वैल्यू 2 होती है, मोलर मास इसका 90/245 आएगा, कुछ भी बड़ा काम नहीं है। 182 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 182 पर, थोड़ा सा आप वीडियो जो थ्योरी के हैं वो भी देखिएगा, 182 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 182 पर चलते हैं। अ मिक्सचर ऑफ NaHC2O4, यहां पर NaHC2O4 है, ये चेंज होता है CO2 में, जब रिएक्शन करता है KMnO4 से तब चेंज होता है, तो इसके लिए अब रिएक्शन फैक्टर 2 हो जाएगा। आगे क्या है, रिएक्शन फैक्टर 2 हो जाएगा, आगे क्या है, KHC2O4.H2C2O4 ये चेंज होता है CO2 में, जब रिएक्शन करता है KMnO4 से, यहां पर +6 है, यहां पर +6 है, इसे 4 करके यहां पर 4, यहां +4 तो 4 जा 16 आ जाएगा, ये 6 12 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा, तो रिएक्शन फैक्टर 16 − 2 = 12, 16 यहां 4 × 16 ठीक है, 16 और 6 × 6 = 6 = 12, तो ये 4 आ जाएगा। तो यहां पर अब जो ये पर्टिकुलर पूरा सब्सटेंस है, इसके लिए रिएक्शन फैक्टर की वैल्यू 4 आएगी, रिएक्शन फैक्टर की वैल्यू 4 आएगी, जहां कोई दिक्कत नहीं है। अ मिक्सचर ऑफ NaHC2O4 एंड KHC2O4 रिक्वायर्ड इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2 NKMnO4, इसके मोल्स ले लो एक्स, चलो ए ले लो, इसके या मिली मोल्स ले लो, मोल्स ले लो, मोल्स ले लो, ए ले लो, इसके मोल्स ले लो, बी ले लो, तो क्या आपको पता है कि EQ अपॉन मोल इज इक्वल टू रिएक्शन फैक्टर, तो अब EQ ऑफ NaHC2O4 मोल ए है, रिएक्शन फैक्टर 2 है, तो ये 2A हो जाएगा, ऐसे ही यहां पर EQ अपॉन मोल इज इक्वल टू रिएक्शन फैक्टर, तो EQ ऑफ KHC2O4.H2C2O4 ये आग पास, इसको हमने कितना लिया, B लिया है, तो ये आग पास 4B हो जाएगा, 4B हो जाएगा, रिएक्शन फैक्टर देखो ना 4 है, 4B हो जाएगा। अब NaHC2O4 साथ में
साथ में के एच सी टू फोर डॉट एच टू सी टू फोर रिएक्शन किससे कर रहा है? के एम एन ओ फोर से कर रहा है, इसके ई क्यू, इसके ई क्यू और प्लस इसके ई क्यू, इसके ई क्यू के इक्वल होंगे। इसके ई क्यू आपने 2a निकाला है, इसके ई क्यू आपने अभी 4b निकाला है। अब इसके ई क्यू निकालने का तरीका नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, 0.2 इंटू वॉल्यूम ऑफ के एम एन ओ फोर इन लीटर, ठीक है, ले लिया। तो ये एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई, इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि यही NaOH से रिएक्शन कर रहा है। तो इस इक्वेशन को अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। अब देखो NaOH वाली मैं रिएक्शन लिखता हूँ, ये तो है NaOH वाली रिएक्शंस को लिखता हूँ। देखो NaOH वाली रिएक्शंस कैसे होंगी, देखो भैया ये तो जो पूरा पूरा है ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये पूरा पूरा रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ये ऑक्सीडेंट है और ये रिडक्टेंट है, ये ऑक्सीडेंट है, KNO4 ऑक्सीडेंट है, ये आपका रिडक्टेंट है। दोस्तों एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, हालांकि मैं रिक्वेस्ट वर्ड इस्तेमाल नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट है कि आप टेक्निक की वीडियो देखिए जिससे कि आपका बहुत 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 भला होगा, ये बहुत भला होगा। आप एक बार टेक्निक्स की वीडियो को देख लीजिए। और देखिए आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, कुछ दिनों बाद नीट की तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, तो उसके लिए तपस्या मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप एक बार वीडियो देखिएगा। तो ये इक्वेशन नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको NaOH के साथ रिएक्शंस के बारे में बताता हूँ, NaOH के साथ रिएक्शंस के बारे में बताता हूँ। एक बार इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। NaOH की जो रिएक्शन है वो एसिड बेस रिएक्शन देगा, NaOH की रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन देगा NaHC2O4। भैया यही तो रिएक्शन करेगा NaOH से, जब ये NaOH से रिएक्शन करेगा जो कि बेस है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो एक ही एच है इसलिए रिएक्शन फैक्टर 1 हो जाएगा। और इस इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, मैं बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं। तो अब इक्यू ऑफ NaHC2O4 इज इक्वल टू मोल्स इंटू रिएक्शन फैक्टर, तो मोल्स तो ए था, रिएक्शन फैक्टर 1 तो ए ही रह जाएगा। अब के एच सी टू ओ फोर डॉट एच टू सी टू ओ फोर यहां पर कितना है 1, यहां पर कितना है 3, तो अब ये एसिड है, रिएक्शन फैक्टर 3 हो जाएगा। ये NaOH बेस एल्कली है, ये आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो अब आप इसकी वीडियो देखिए। EQ ऑफ के एच C2O4 डॉट H2C2O4 कितना आएगा, रिएक्शन फैक्टर 3 है, मोल्स भी हैं, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि NaHC2O4 साथ में KHC2O4 डॉट H2C2O4 ये रिएक्शन कर रहा है किससे, NaOH से रिएक्शन कर रहा है, इसके EQ, इसके EQ, इसके EQ इक्वल हो गए। इसके EQ कितने आए, A, इसके EQ कितने आए भाई 3B, और ये कितना है इक्वल वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम KMnO4 का था उतना ही वॉल्यूम NaOH का, तो वॉल्यूम की प्रॉब्लम नहीं है। ये है 0.12 और V, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आपको कुछ नहीं करना है, इन इक्वेशंस को डिवाइड करना है। जैसे ही आप इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, जैसे ही आप इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, जैसे ही डिवाइड करेंगे, a प्लस 3b
डिवाइडेड बाई 2a प्लस 4b, ये आएगा कितना, a प्लस 3b डिवाइड बाई 2a प्लस 4b, ये आएगा कितना आएगा भाई 0.12 डिवाइडेड बाई 0.2, कुछ भी नहीं है, यहां जीरो लगा लो, अपनी तरफ से लगा लो, v से v कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर भी नीचे भी कैंसिल हो गया, इसको इससे हटा दो तो a प्लस 3b और 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 12/20 आ गया। थोड़ी कैलकुलेशन करिए, a और b में रेशियो निकाल लीजिए, यहीं से आपका एक अच्छा सा आंसर आ जाएगा 182 के बाद। अब आप बात करते हैं 183 की, बड़े बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए। 183 की बात करते हैं कि 183 क्या कहता है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की, और 183 क्या कहता है उसको भी समझ करके चलना पड़ेगा। 183 क्या कहता है, स्टेनोसल्फेट SnSO4 प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये SN में जाता है, रिएक्शन फैक्टर 2 हो जाता है क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन एसिडिक मीडियम, फॉर ferrous अमोनियम सल्फेट टू फेरिक सल्फेट द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ स्टेनस सल्फेट, इसके मोल्स हमने ए ले लिए तो EQ कितना आ गया, रिएक्शन फैक्टर इनटू मोल्स 2A आ गया, इसे यहां पर ब्रैकेट में बंद कर लो, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टेनस सल्फेट रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ ferrous अमोनियम सल्फेट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, अब देखिएगा इसकी रिएक्शन SnSO4 की रिएक्शन हो रही है किससे, ferrous अमोनियम सल्फेट, मैंने बताया था ferrous अमोनियम सल्फेट यही तो मोर सॉल्ट है, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, यही तो ferrous अमोनियम सल्फेट है, ferrous अमोनियम सल्फेट, और इसके लिए अभी मैंने रिएक्शन फैक्टर 1 बताया है, रिएक्शन फैक्टर 1 बताया है, तो ये कितना है भाई 2a, अरे इक्विवेलेंट जो है ना इसके और इसके इक्विवेलेंट इक्वल होंगे, ये कह रहा था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टेनस सल्फेट रिक्वायर्ड पर मोल, इसका एक मोल तो एक मोल रिएक्शन फैक्टर 1 तो 1 कर दो तो 2a इज इक्वल टू 1 आ गया, तो a इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, यानी यहां से a की वैल्यू निकली निकलाई है। अब आप देखो KMnO4 ये Mn+2 में चेंज होता है, रिएक्शन फैक्टर 5 होता है, हम इसके मोल्स ले लेते हैं, इसके मोल्स को हमने बी ले लिया तो इक्विवेलेंट इसके 5b हो जाएंगे, कहीं से कहीं तक कोई दूर दूर से दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिएगा आप KMnO4 इसके EQ क्या है भाई, रिएक्शन करेगा उसी मोर सॉल्ट के साथ FAS के साथ, तो इसके EQ इसके EQ के इक्वल होंगे, तो इसके EQ कितने हैं 5B हैं, और इसके EQ कितने हो जाएंगे वही भैया उतने ही 1, तो B इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको रेशियो निकालना है, रेशियो तो जब रेशियो निकालना है तो A/B निकाल लीजिए, क्या है 1/2 1/5, ये 1/2 5/1 5/2 आ जाएगा, कितना इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। रिक्वेस्ट है फिर कि एक बार टेक्निक्स जरूर पढ़िए,
84 पर, ये कौन सा था, हाँ 183 था, 184 पर चलते हैं कि 184 क्या कहता है। हम 184 को भी देखते हैं कि 184 क्या कहता है। 184 क्या कहता है उसे भी देखते हैं। 184, इफ ए ग्राम ऑफ मास ऑफ NaHC2O4 रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इतने बी ग्राम, ठीक है यहाँ पर NaHC2O4 है, रिएक्शन NaOH से हो रही है, ये बेस या एल्कली है, ये एसिड है, इसमें कितना दिख रहा है एक, तो रिएक्शन फैक्टर वन हुआ, रिएक्शन फैक्टर वन हुआ, इक्विवेलेंट वेट मोलर मास अपॉन वन हुआ, इतना आ जाएगा, एक ग्राम है, एक ग्राम है, तो जो EQ आएंगे, EQ ऑफ NaHC2O4 फॉर दिस रिएक्शन, तो क्या आएगा, दिस अपॉन इक्विवेलेंट वेट m, a बाई m आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ठीक है, अब रिएक्शन किससे हो रही है, NaHC2O4 की रिएक्शन हो रही है NaOH से, इसके EQ इसके EQ के इक्वल होंगे, इसके EQ a अपॉन m है, अरे ये मोलर मास है, मोलर मास, चलो mm लिख देता हूँ, जिससे आपको मोलर मास थोड़ा सा आता रहे, मोलर मास। अब ये कितना है, 100 ml, 0.2 m NaOH, 100 ml, इसे लीटर में चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्राम ले लिया है, तो इसे लीटर में चेंज कर लीजिए, इनटू कितना है, 0.2 है, इससे कैंसिल हो गया, तो 0.2 तो पहले से था, तो ये a अपॉन mm मोलर मास है भाई, मोलर मास, ये आपके पास 0.02 हो जाएगा। अब आप अगली रिएक्शन को देखिए, ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इस बात को आप याद रखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में a अपॉन m इतना आ गया। अब आगे कह रहा है b ग्राम रिक्वायर्ड इतने ml इन एसिडिक मीडियम, तो अब देखिए जरा, b ग्राम यही सब्सटेंस यही है NaHC2O4, लेकिन चेंज किस में होगा, CO2 में होगा, तो अब यहां +6 कार्बन के लिए, यहां +8 कार्बन के लिए, तो रिएक्शन फैक्टर 2 हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट यहां पर मोलर मास अपॉन 2 होगा, मोलर मास अपॉन 2 होगा। अब इसका मास कितना है, b ग्राम है, तो रिएक्शन किससे कर रहा है, KMnO4 से कर रहा है, तो NaHC2O4 रिएक्शन कर रहा है KMnO4 से, इसके EQ के इक्वल होंगे, तो इसका मास b ग्राम इक्विवेलेंट मास mm बाई 2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, इसकी नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ये भी कितना था, 100 ml था, तो 100 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, जिससे लीटर में चेंज हो जाए, और मोलारिटी है 0.02, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसके लिए रिएक्शन फैक्टर 5 होता है, KMnO4 के लिए 5 होता है। अब आपको a और b का रेशियो निकालना है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1/2 कर दो, तो देखो भाई मोलर मास से मोलर मास कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, अरे डिवाइड करो तो मोलर मास से मोलर मास कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 185 पर चलते हैं, देखते हैं 185 क्या कहता है, 185 क्या कहता है, 185, 2 mole इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NaC2O4 एंड H2C2O4, यहां पर NaC2O4 प्लस H2C2O4 है, इक्विमोलर है, मोल्स इक्वल हैं,
यानी ये एक मोल है, ये भी एक मोल है, इसके लिए रिएक्शन फैक्टर 2 है, इसके लिए रिएक्शन फैक्टर 2 है, तो इसका इक्यू 2 हो जाएगा, इसका इक्यू 2 हो जाएगा, रिएक्शन करता है के एमएनओ 4 से, इसका रिएक्शन फैक्टर 5 होता है। तो अब देखो, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू इक्यू ऑफ दिस, इसके इक्यू कितने हो जाएंगे, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो वी वन है, नॉर्मलिटी कितनी है भाई, नॉर्मलिटी 0.1 इंटू 5, अरे रिएक्शन फैक्टर की मल्टीप्लाई होगी ना, तो 2+2 इज इक्वल टू 0.5 वी वन हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 0.5 वी वन हो जाएगा। अब आगे क्या कहते हैं, द सेम अमाउंट ऑफ मिक्सचर रिक्वायर्ड वी टू लीटर ऑफ 0.2 mNaOH, तो अब यहां से देख लीजिए NaC2O4 ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों, इसमें देर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, H प्लस एबसेंट है इसमें, तो जब H प्लस एबसेंट है तो रिएक्शन नहीं करेगा, इसे अलग कर दो, इसे रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन विद एल्कली, ये एल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये H2C2O4 जुड़ा हुआ है, इसमें कितना H है, ये तो भैया बेकार हो गया ना, ये बेकार हो गया, ये रिएक्शन नहीं करेगा, इसमें 2H है तो रिएक्शन फैक्टर 2 हो गया, किससे रिएक्शन कर रहा है, NaOH से रिएक्शन, तो रिएक्शन फैक्टर 2 है, मोल्स कितने हैं 1 है, तो इक्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसके इक्यू कितने हैं भाई V2, इसका इक्यू कितना हो जाएगा, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम 0.2 इंटू V2 हो जाएगा, तो दोनों के इक्यू इक्वल है, 2 इक्वल टू 0.2 इंटू V2 हो जाएगा, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, आपका आंसर V1 V2 में रिलेशन आ जाएगा, 185 हो गया, 185 में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं रह गई। 186 पर चलते हैं, इधर से रब करना शुरू करता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो, 186 पर चलते हैं, 186 क्या कहता है, इस पर भी थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं कि 186 क्या कहता है, थोड़ा सा आप लोग एक बार वीडियो लेक्चर्स जो थ्योरी के हैं और टेक्निक्स के हैं उन्हें जरूर जरूर देखा करो, उन्हें जरूर देखा करो। क्वेश्चन नंबर 186, अ मिक्सचर कंटेनिंग 0.05 मोल ऑफ K2Cr27, 0.02 मोल ऑफ KNO4, एक्सेस ऑफ KI, ठीक है, द लिबरेटेड आयोडीन दिस कंसंट्रेशन, देखो भाई K2Cr2O7 ये चेंज होता है Cr+3 में, रिएक्शन फैक्टर मैंने बता दिया है 6 है, इसके मोल्स जो हैं वो हैं 0.05, तो इक्यू कितने आ गए, मोल इंटू रिएक्शन फैक्टर आगे जी, आगे है KMnO4 चेंज होता है Mn+2 में, रिएक्शन फैक्टर बता रखा है 5, इसके मोल्स गिवन हैं, कितने गिवन हैं 0.02, तो इसके इक्यू आ गए 0.02 इंटू रिएक्शन फैक्टर 5, ठीक है भाई। अब इसकी रिएक्शन कराई गई, फिर इसके बाद हम आगे आयोडीन बन रही है, आयोडीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं Na2S2O3 से, तो इक्यू ऑफ K2Cr2O7 प्लस इक्यू ऑफ KMnO4, इससे बन क्या रहा है, आयोडीन बन रही है, इक्यू ऑफ I2। अब ये जो आयोडीन है ये रिएक्शन कर रही है किससे, रिएक्शन कर रही है
Na2S2O3 से रिएक्शन कर रही है, तो इसके इक्यू के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब डायरेक्ट कर देते हैं, इसके इक्यू प्लस इसके इक्यू इज इक्वल टू इसके इक्यू। इसके इक्यू कितने हैं भाई? 0.05 × 6। इसके इक्यू कितने हैं? 0.02 × 5। इसके इक्यू कितने भैया? नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। तो 1 लीटर है नॉर्मलिटी ऑफ Na2S2O3। और देखिए Na2S2O3 चेंज किस में होता है? Na2S4O6 में चेंज होता है। इसके लिए रिएक्शन फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। तो नॉर्मलिटी ऑफ Na2S2O3 इज इक्वल टू आता है मोलरिटी ऑफ Na2S2O3। तो जो नॉर्मलिटी आएगी वही मोलरिटी आएगी, आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 187 पर, इसे देख लीजिए थोड़ी सी आप करिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 187 पर। 187 क्या कहता है उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 पर चलते हैं। 25 ml ऑफ 2NHCl 50 XML। देखिए सभी हैं, तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड्स ये क्या आएगा? N1V1 N2V2 N3V3 upon V1 plus V2 plus V3। एक की नॉर्मलिटी ये नॉर्मलिटी है 2, वॉल्यूम है 25। दूसरे की नॉर्मलिटी है 4, वॉल्यूम है 50। तीसरे की देखो H2SO4 के लिए, जो H2SO4 होता है इसके लिए ये किसमें चेंज होता है? 2H+ और SO4-2, इसीलिए इसके लिए रिएक्शन फैक्टर की वैल्यू 2 होती है। तो इसकी जो नॉर्मलिटी आएगी 2 × 2, मोलारिटी इंटू 2 ये नॉर्मलिटी आएगी, इंटू वॉल्यूम कितना है दोस्त? वॉल्यूम है X ml डिवाइडेड बाई 25 + 50 और ये प्लस आएगा X, यहां से मिक्स्ड एसिड की नॉर्मलिटी आ जाएगी। अब क्या कह रहा है? टोटल वॉल्यूम मेड अप टू 1 लीटर डाइल्यूशन किया गया है। डाइल्यूशन तो MEQ बिफोर मिक्सिंग वाटर या बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू MEQ आफ्टर डाइल्यूशन, ऐसा कुछ है। देखिए मैं फिर पढ़ता हूं, मिक्स्ड एंड द टोटल वॉल्यूम इज मेड अप टू 1 लीटर। अब देखो नॉर्मलिटी तो पता ही है, इनटू वॉल्यूम तो 25 हो गया 50 और ये 5 × 10 = 4 = 20 = 200 प्लस ये 4x हो गया अपॉन ये 75 प्लस एक्स हो गया। इसकी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फिर यही आएगा, तो 75 प्लस एक्स हो जाएगा, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम कितना हुआ यार? कितना हुआ दोस्त? 1 लीटर। तो 1 लीटर का मतलब हो गया 1000। तो यहां से नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा ये 250 हो जाएगा, 250 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 1000 आएगा। अब आगे क्या कह रहा है? इसको रिएक्ट कर रहे हैं Na2CO3 से, तो जो ये वाला डाइल्यूट एसिड आया है इसकी रिएक्शन हो रही है Na2CO3 से, तो इसके MEQ के इक्वल होंगे
इक्वल होंगे। नॉर्मलिटी तो आपने निकाल ली कितनी 250 प्लस 4x अपॉन 1000, ये नॉर्मलिटी तो निकाल ली। वॉल्यूम कितना लग रहा है 50 ml ऑफ दिस, तो इसका केवल 50 लग रहा है। इसका कितना लग रहा है 25 into 1, तो अब यहां से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था। 188 पर चलते हैं, 188 पर चलते हैं, देखते हैं कि 188 क्या कहता है। 188, चलिए क्वेश्चन नंबर 188 पर चलते हैं। इन एन आइडोमेट्रिक एस्टिमेशन द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। ठीक है भाई, रिएक्शन कह रहा है, क्या कह रहा है, 2Cu+2 + 4i- ये बना रहा है Cu2i2+i2। ठीक है, अब ये 1/2 × mol(CuSO4, इसे एज ए कॉपर सल्फेट लो, 2CuSO4, इसे 4KI, ये बनाएगा Cu2i2+i2 और प्लस 2K2SO4। इजी है, और प्लस आपके पास ठीक है कर दिया मैंने। तो 1/2 × mol(this) = mol(I2) आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे क्या कह रहा है, 0.12 मोल्स, इसके 0.12 मोल्स गिवन हैं, तो यानी कि 0.12 / 2 = mol(I2) आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है, एंड लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर्ड 120 ml ऑफ हाइपो। अगली रिएक्शन क्या दे रखी है, अगली रिएक्शन दे रखी I2+2Na2S2O3, ये बना रहा है 2NaI+Na2S4O6, तो मोल्स ऑफ I2 यहां से 1/2 × mol(Na2S2O3 आएगा। तो अब इसके मोल्स यहां से पुट कर दो ना, 0.12 / 2, 1/2 × molarity × volume, 120 को आपको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, into molarity of Na2S2O3, यहां से आप निकाल सकते हैं आंसर आ जाएगा। 189 पर चलते हैं, 189, इसे मैं रब करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, 189 पर चलते हैं, 189 देखते हैं 189 क्या कहता है। 189 पर चलते हैं। 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Li2CO3, ये Li2CO3 है और एक M2CO3 है। 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, ये 1 ग्राम है, इसके W ग्राम ले लो, तो ये 1 - W ग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों के मोल्स इक्वल है, मोल्स ऑफ Li2CO3 = mol(M2CO3, कहां से पता चला, अरे स्टेटमेंट है इक्विमोलर, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स गिवन है यार, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो अब इसका मास अपॉन मोलर मास, इसका मास अपॉन मोलर मास, 2 × 9 + इसका 30 आ जाएगा, इसका मास 1 - W/molar mass, 2m + 30 ले लीजिए, यहां से एक इक्वेशन m और w में बन जाएगी। आगे क्या कह रहा है कि यही रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, HCl से रिएक्ट करता है, यही चीज, यही सेम टू सेम, सेम यही रिएक्शन किससे करती है, HCl से रिएक्शन करती है। मैं दोबारा ही लिख देता हूं, HCl से रिएक्शन करती है, तो आपको अब आगे निकालना है, ये Li2CO3 है प्लस
M2CO3 है, Li2CO3 है और M2CO3 है। अब इसे देखते हैं, ये आपका 1 ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हमने W ग्राम ले ली, ये 1 माइनस W ग्राम है। रिएक्शन किससे हो रही है? HCl से हो रही है। तो इसका EQ इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इसके लिए रिएक्शन फैक्टर 2 आएगा, इसके लिए रिएक्शन फैक्टर 2 आएगा। तो 2 × 9 + 30/2, ये प्लस 1 - W, ये 2m, 1 - W, 2m प्लस 30, क्या ये 60 होगा भाई? 60, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये 60 होगा। यहां पर ये 60 होगा भाई, CO3 के लिए 60 आएगा, 48 और पर, हाँ 60 है। यहां पर 2m प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। इसके कैसे निकलेंगे? 21.6 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि ये सब मोल है ना, तो 1000 इंटू नॉर्मलिटी, ये रखी है 0.5। इस तरीके से 189 भी हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 190 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 190 क्या कहता है। इससे भी निपट लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 190 क्या कहता है। इजी हैं क्वेश्चंस, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 190 क्या कहता है? 32 ग्राम सैंपल ऑफ FeSO4 डिजॉल्व इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर, इट्स वॉल्यूम मेड अप टू 1 लीटर। तो देखो, नॉर्मलिटी ऑफ FeSO4 सोल्यूशन, फेरस सल्फेट, FS लिख देता हूं, शॉर्टकट मार दिया, मास 32, इक्विवेलेंट मास, देखो मैंने हमेशा बताया है कि Fe+2 चेंज होता है Fe+3 में और रिएक्शन फैक्टर हमेशा 1 होता है। तो इसका कैसे निकलेगा? 56 + 96 + 7 × ये FeSO4.7H2O है डिवाइडेड बाई 1 आएगा, ये इसका इक्विवेलेंट मास आएगा। 1 से डिवाइड करो ना करो, रिएक्शन फैक्टर है तो डिवाइड कर रहे हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन बनाएगा, 1 लीटर सॉल्यूशन बन गया। अब इसकी रिएक्शन हो रही है KMnO4 से, कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी का निकाल रहा है। ये मेरे से रीडिंग में गलती हुई, तो इसका एक्स परसेंट ले लो, तो इसको एक्स अपॉन 100 करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के 0.32 परसेंटेज प्योरिटी निकाल रहा है, परसेंटेज प्योरिटी। तो ये 32 का एक्स परसेंट ले लो तो 0.32 आ जाएगा, और ये 56 + 96 + 7 × 16 आ जाएगा, ये नॉर्मलिटी आ जाएगी। अब ये जो फेरस सल्फेट है, FS ही लिख देता हूँ, ये रिएक्शन कर रहा है किससे, पूरा ही लिख देता हूँ, FeSO4.7H2O, इसे ही मैंने FS लिखा है। ये रिएक्शन कर रहा है KMnO4 से, तो इसका EQ इसके EQ के इक्वल होगा। अगर MEQ लेंगे तो यहाँ पर भी MEQ लेना पड़ेगा। नॉर्मलिटी 0.32x अपॉन 56 + 96 + 7 × 16, ये नॉर्मलिटी। वॉल्यूम कितना लगा है? केवल 25 ml लगा है, 25 है, और ये आपके पास 20 ml और 0.02 m m है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे कि मोलरिटी नॉर्मलिटी में चेंज हो सके। इसके लिए रिएक्शन फैक्टर 5 होता है, हमेशा ही 5 होता है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर 190 तक फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी